इंडिया में प्रधानमंत्री तय नहीं तो देश क्या चलाएंगे शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को काशी से एक बार फिर 400 पार का नारा दिया। कहा कि छठे चरण तक नरेंद्र मोदी 310 सीट जीतकर सरकार बना चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को काशी से एक बार फिर 400 पार का नारा दिया। कहा कि छठे चरण तक नरेंद्र मोदी 310 सीट जीतकर सरकार बना चुके हैं। सातवें चरण में 400 का आंकड़ा आपको पार कराना है। उन्होंने कहा कि 4 जून को परिणाम में भाजपा 400 पार होगी, तब राहुल गांधी कहेंगे कि हम चुनाव ईवीएम के कारण हारे हैं। इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए बोले, उनके पास कोई नेता नहीं है, यदि जीत गए तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये तय नहीं है, तो वे देश क्या संभालेंगे। गृह मंत्री चंदौली संसदीय सीट में पलहीपट्टी गोसाईपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। उन्होंने 17 मिनट के संबोधन की शुरुआत बाबा कीनाराम और सुहेलदेव को नमन करते हुए की, फिर कच्चा बाबा से लेकर अघोर डंगरिया मंदिर का भी नाम मिला। कहा कि चंदौली ने देश को कई बड़े नेता दिए हैं, ये जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्मभूमि है तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जन्मभूमि भी है। भाजपा के लिए ये बहुत उपजाऊ जमीन है। उन्होंने कांग्रेस और सपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर राहुल गांधी और उनके लोग हमें डराते हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। मैं आश्वस्त करता हूं कि पीओके भारत का है और रहेगा, इसे इसमें हम लेकर रहेंगे। प्रधानमंत्री ने 370 को समाप्त किया तो राहुल कहते थे कि 370 ना हटाओ नहीं तो कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। उन्हें नहीं पता है कि भाजपा सरकार में किसी को कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है। मोदी ने कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ दिया, देश को सुरक्षित किया।